हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग UP SSSC द्वारा जो PET के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा जा रहा था उसमें रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है और पेमेंट और फाइनल सबमिशन के लिए डेट अभी एक्सटेंड कर दी गई है जो कि 25 तारीख तक है, 25 जून तक एक्सटेंड किया गया है। लेकिन बहुत से लाखों छात्र जो है इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, उन छात्रों को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि साल भर के लिए वो इस एग्जाम से वंचित हो जाएंगे। पूरा UP SSSC के जितनी वैकेंसी आएंगी उन सबसे वंचित हो जाएंगे, जिसके लिए छात्र बहुत ही परेशान है। और इसमें छात्रों के लिए एक राहत की खबर है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ छात्र संघ और संगठन जो है वो छात्रों के लिए सामने आ रहे हैं कि इसमें छात्रों का सपोर्ट करेंगे। PET के रजिस्ट्रेशन के लिए डेट ओपन की जाए, आयोग इसकी डेट को ओपन करें, नहीं तो आयोग का घेराव किया जाएगा। इसी संबंधित न्यूज को इस वीडियो में आपको बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। और एक बात, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली अन्य वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे जल्दी पहुंच सके। और अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम 24/7 ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टडी नोट्स और बाकी के जो मटेरियल है आपको आसानी से मिल सकेंगे। और अगर आपको वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आती YouTube पर तो यहां से आपको वीडियो के अपडेट भी मिलते रहेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉर एग्जाम 24/7 सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे, आज दिनांक 25 जून को प्रयागराज के प्रेस क्लब में उपस्थित मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्रारंभिक अर्थात परीक्षा PET के आवेदन तिथि को बढ़ाए जाने के संदर्भ में वार्ता संपन्न हुआ। लोगों ने वहाँ पर मीटिंग की। अभी सभी छात्र छात्राओं का प्रयास है कि माननीय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रभावित छात्रों के आर्थिक और तकनीकी समस्या को देखते हुए 10 से 15 दिन के लिए आवेदन का अवसर प्रदान करे। ये इनके द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है कि 10 से 15 दिन आवेदन के लिए समय छात्रों को दिया जाना चाहिए। तो ये छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि इस तरह के संगठन और इस तरह के लोग जब आगे आएंगे तो मीडिया को, तो आयोग को और सरकार को इनकी बातों को सुनना पड़ेगा, छात्रों की बातों को सुनना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ अनुरोध किया है, इन्होंने ये भी कहा है कि यदि मांगें पूर्ण नहीं हुई तो हम सभी 28 जून को लखनऊ में सेवा आयोग का घेराव भी करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर आमरण अनशन भी करेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आयोग हमारी मांगों को नहीं पूरा करता है तो हम उसमें आगे भी कदम उठाएंगे। जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है उन्हें अपनी बात को अगर पहुंचाना है तो उन्हें भी ट्विटर पर जाके इसको प्रमोट करना चाहिए, इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। यह है इलाहाबाद न्यूज़ रिपोर्ट क्लब, जिन्होंने इस बात को उठाया है। इन लोगों ने मीटिंग की है और इन लोगों ने यही सारे बातें की है इसमें, जिसके वही हम आपको दिखा रहे थे। और इन्होंने इसमें एक प्रेस विज्ञप्ति भी दी है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भवन लखनऊ द्वारा आयोजित परीक्षा विज्ञप्ति इतने कि PET के नामांकन की अंतिम तिथि जो कि 21 जून थी, इसमें लाखों छात्रों को लॉकडाउन और आर्थिक समस्या के कारण नामांकन व फाइल सबमिट करने से वंचित रह गए, जिसमें अभिभावकों में और मानसिक अवसाद की स्थिति पैदा हो गई है। और दूसरी बात जो सबको पता है, आयोग की वेबसाइट अंतिम 7 दिनों के दौरान तकनीकी समस्या से ग्रसित रही, जिससे विद्यार्थियों का नामांकन नहीं रह पाया है। बहुत सारे विद्यार्थी, लाखों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि यदि माननीय आयोग ने हम सभी विद्यार्थियों के हित में उक्त भर्ती परीक्षा के आवेदन हेतु नामांकन की तिथि नहीं बढ़ाई तो हम विद्यार्थी एकजुट होकर माननीय आयोग के लखनऊ कार्यालय का 28 जून को घेराव करेंगे। यदि मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल एवं अनशन पर भी बैठेंगे। और इस प्रेस विज्ञप्ति के पंकज पांडे और प्रतियोगी छात्र हैं। इसके अलावा छात्रों द्वारा ट्विटर पर भी कैंपेन चलाया जा रहा है, आप वहां पर जाकर हैशटैग को सपोर्ट कर सकते हैं। UP SSSC PET फॉर्म रीओपन, UP SSSC PET डेट एक्सटेंड, इस तरह के कई सारे हैशटैग हैं, आप वहां पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप भी इससे वंचित रह गए और आप चाहते हैं कि इसका डेट फिर से रीओपन हो, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहां पर बहुत सारे छात्रों द्वारा इसके सपोर्ट में ट्वीट किया गया है। तो इस प्रयास से, इन सभी प्रयासों से यही लगता है कि कहीं ना कहीं आयोग को फिर से रीओपन करना पड़ेगा, PET की डेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं, कई लाख हैं, 10 लाख संख्या में छात्र हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि छात्रों का यह प्रयास सफल रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हम आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको इससे निश्चित मदद मिलेगी और आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी वैकेंसी संबंधित। और भी हमने इस पर कुछ क्लासेस भी स्टार्ट की है, रीजनिंग और अन्य भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उससे माध्यम से भी आपको इस पर लाभ मिलेगा। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो से रिलेटेड अन्य अपडेट भी आप तक आसानी से पहुंच सके। और PET संबंधित अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप अपनी बात को वहाँ रख सकते हैं। अपना कोई सवाल हो आपका तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।